हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोल कंसेप्ट। बच्चों, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक का यूज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लगभग पूरी केमिस्ट्री में हम कहीं ना कहीं इसका यूज हम करते ही करते हैं। तो बच्चों, इस कंसेप्ट को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है बच्चों। सबसे पहले बच्चों थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं इसमें कि मोल जो होता है, वर्ड मोल शब्द, मोल शब्द जो है, देखा जाए वर्ड मोल शब्द जो आया था ये आपको मिला था किससे? विलियम ऑस्टवाल्ड ने दिया था। एक्चुअली मोल का वर्ड मतलब क्या होता है? मोल मतलब कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। अब बच्चों हम ये कह सकते हैं कि मोल को हम डिफाइन एक तरह से तीन टर्म्स में करते हैं। एक तो होता है मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर कह सकते हैं, और मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी कह सकते हैं। तो बच्चों तीनों को हम अलग अलग बच्चों डिटेल रूप से डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों हम डिस्कस करते हैं वर्ड मोल कंसेप्ट में। ये आपका कि वन मोल ऑफ इज डिफाइंड, यानी मोल को हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं? जैसे हमने बोला था कि थ्री टाइप्स में हम करते हैं। किस टर्म्स में बोला था हमने? मास के फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में, नंबर ऑफ पार्टिकल के फॉर्म में, वॉल्यूम्स के फॉर्म में। तो चलिए बच्चों पहले हम थोड़ा सा इस पर आते हैं कि वर्ड मोल वाज इंट्रोड्यूस भाई। यहाँ करते हैं स्टार्ट मोल कंसेप्ट। क्या करते हैं बच्चों? यहाँ हम लिखते हैं बच्चों, ये है आपका मोल और ये आपका हो गया कंसेप्ट, राइट। ये आ गया मोल, ये हो गया बच्चों आपका, क्या हो गया बेटा? ये कंसेप्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पे कहते हैं कि वर्ड मोल वाज इंट्रोड्यूस भाई। हम कह सकते हैं वर्ड मोल वाज इंट्रोड्यूस्ड कब हुआ था? ये हुआ था इन 1896 वाई विलियम ऑस्टवाल्ड ने किया था। बच्चों इसको किया, किसने किया था? विलियम ऑस्टवाल्ड, ठीक है बेटा, ऑस्टवाल्ड ने किया था ये। इसको इसे कर देते हैं थोड़ा, ऑस्टवाल्ड, ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं जरा थोड़ा सा कि वन मोल को डिफाइन हमने बोला था कि भाई अमाउंट के टर्म्स में करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल भी की भी टर्म्स में डिफाइन करते हैं, या फिर वॉल्यूम्स के भी टर्म में डिफाइन करते हैं। तो चलिए पहले इस डिफिनेशन को थोड़ा हम करते हैं, जो कि हर जगह आपको बुक में भी मिलती है। ये है बच्चों कि फिर आगे हम उस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे और वॉल्यूम्स पे, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम करते हैं बच्चों, वन मोल इज डिफाइंड। हमने यहाँ पर लिखा कि वन मोल इज क्या करते हैं बच्चों? यहाँ पर डिफाइंड करते हैं, ठीक है, वन मोल डिफाइन कर रहे हैं। इसमें क्या कहते हैं? एज द, किसे करेंगे डिफाइन बच्चों? करेंगे कि अमाउंट ऑफ, ये आपने डिफाइन, अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है, दैट कॉन्टेंस, क्या कहता है? दैट कॉन्टेंस एज मेनी पार्टिकल्स, एज मैनी पार्टिकल्स, एज मैनी पार्टिकल्स आर इंटाइटीज, आर इंटाइटीज एज देयर आर एटम्स। हम यहाँ पे कह सकते हैं एज देयर आर एटम्स, देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली, इन एग्जैक्टली
12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप, ठीक है। किसके द्वारा मेजर करते हैं बच्चों, बाय, ये तो हो गया आपका स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू, ठीक है ना। बाय हम लेके चलते हैं स्पेक्ट्रो, ये होता है आपका मीटर, राइट। इट इज फाउंड, जब हमने मेजर किया, यानी कह सकते हैं कि वन मोल, यानी वन मोल इज डिफाइंड, वन मोल को हम डिफाइन किया कि हमने कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेंट क्या करता है, मेनी पार्टिकल्स होते हैं आर इंटाइटीज आर एटम्स, एग्जैक्टली कितने कितने बच्चों, 12 ग्राम, आपने 9th-10th में ही पढ़ा होगा, 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप्स, C12 आइसोटोप्स, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि ये पाया गया वन एटम कार्बन 12 कितना पाया गया, 1.99। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं बच्चों कि स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू हमने मेजर किया, पाया, इट इज फाउंड दैट, क्या पाया गया ये, इट इज फाउंड दैट, ये पाया गया कि मास ऑफ क्या हो गया बच्चों, हम यहाँ पर कह सकते हैं मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 कितना था, ये बच्चों था कितना के था, 1 ग्राम ऑफ, यानी मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ ऑफ, बेटा यहाँ पे कार्बन छूट गया है बच्चों, और 1 ग्राम ऑफ बेटा यहाँ बच्चों कार्बन 12, ठीक है ना, यानी मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 कितना था बच्चों, इज ये था बच्चों आपका 1.99926 48 10^-23 क्या था ये, ग्राम था। तो 1 मोल ऑफ कार्बन का वेट 12 ग्राम का हमने निकाला था यहाँ पे कि 1 मोल, यानी हमने यहाँ पे निकाला 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन वेट इन 12 ग्राम कार्बन के, ठीक है बच्चों। तो ये क्या होता है आपका 12 ग्राम पर मोल अपान 1.99, ठीक है बच्चों, 2648 इंटू हो गया 10^-23 के ग्राम के। अब बच्चों अब जब इसमें हमने डिवाइड किया तो ये ग्राम से ग्राम तक कैंसिल हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा यहाँ पे 6.022 इंटू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10^23 एटम्स हो सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं द नंबर इज नोन एज, इस नंबर को क्या हम जानते हैं, इस नंबर को हम जानते हैं दिस नंबर, ठीक है बच्चों, इज नोन एज, हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, नोन एज एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर मैंने पीछे आपको बताया है पिछली वाली लेक्चर में, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है बेटा। अब एवोगैड्रो नंबर को हमने बताया था आपको कि दिस नंबर इज नोन एज एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। इसे हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन ए से भी कर सकते हैं या एन से भी कर सकते हैं या आर बच्चों हम एन नॉट से भी करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं बच्चों, रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, किसे करते हैं बेटा, एन से भी रिप्रेजेंट हम यहाँ करते हैं, ठीक है ना। अब एन ए, अब एन ए होता है, ये हो जाएगा बच्चों 6.022 10^23 पर मोल के,
ठीक है, तो हम इसे अभी आगे निकालेंगे। तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, हम इसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों गिवेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर एंटिटीज ये होता है एवोगैड्रो, एवोगैड्रोज नंबर, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों ये आपका, ठीक है, ये फॉर्मूला हुआ। अब आते हैं बच्चों जरा हम डिटेल में इसको सब करते हैं कि मोल्स को हम तीन टर्म्स में करते हैं, मास टर्म में, नंबर टर्म में, नंबर पार्टिकल टर्म से, वॉल्यूम टर्म से। आइए हम यहाँ अलग अलग इसको हम डिफाइन करते हैं। तो मोल कैन बी डिफाइंड, अब यहाँ आते हैं थोड़ा सा, हम इसे कह सकते हैं बच्चों मोल कैन बी डिफाइंड इन वेरियस वेज, इन वेरियस क्या है ये वेज, ठीक है ना बच्चों। अब इसमें क्या करेंगे, मोल इन टर्म्स ऑफ मास, देखिए तीन को हमें एक्सप्लेन करना है डिटेल में। पहला है मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मोल इन टर्म्स ऑफ मास कह सकते हैं। दूसरा हम क्या करेंगे, मोल्स इन टर्म्स ऑफ नंबर के करेंगे बच्चों। थर्ड हम क्या करेंगे यहाँ पे, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम करेंगे, क्या करेंगे वॉल्यूम करेंगे। अब आते हैं बच्चों डिफाइन करते हैं फर्स्ट, फर्स्ट क्या है आपका मोल इन टर्म्स ऑफ मास, हम यहाँ पे करेंगे मोल इन टर्म्स ऑफ, ये हो गया बच्चों मास, मोल इन टर्म्स ऑफ मास, ठीक है ना बेटा। हम इसे आज हम इसे डिफाइन करेंगे। तो ये कहता है कि मोल ऑफ एटम इज डिफाइंड, ठीक है ना, ये कह रहा है मोल ऑफ एटम इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ जो सब्सटेंस होते हैं उनके जो मास इक्वल किस में हम करते हैं, ग्राम एटॉमिक मास के। एटॉमिक मास को हम एक्सप्रेस किस में करते हैं, ग्राम्स में करते हैं। तो बच्चों हम यहाँ से डिफाइन कर रहे हैं कि मोल ऑफ एटम इज डिफाइंड, हम यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों ए मोल ऑफ एटम इज डिफाइंड, मोल्स ऑफ एटम इज क्या करते हैं ये डिफाइंड किस फॉर्म में एज दैट, किस में बेटा, पहला करेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या करेंगे यहाँ पे कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होते हैं, क्या होते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच हैज, अभी मैंने बताया था व्हिच हैज ये मास बेटा जो होता है उनका इक्वल होता है टू इट्स किसके, ग्राम एटॉमिक मास के, टू इट्स किसके होता है, ग्राम एटॉमिक मास के होता है, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है ना बच्चों। तो ये ग्राम एटॉमिक मास हो गया, यानी एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन हम किस में करते हैं, ग्राम्स में, यानी सच दैट हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एटॉमिक मास, एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स में, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स में, ठीक है ना। तो इट इज इक्वल टू वन ग्राम ऑफ एटम, हम कह सकते हैं इट इज इक्वल टू वन ग्राम ऑफ एटम, वन ग्राम ऑफ एटम, इट इज इक्वल टू वन ग्राम ऑफ एटम, ठीक है ना। तो मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, अब मोल्स को हम बेटा मॉलिक्यूल्स के टर्म में भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या लिया, ए मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, हमने यहाँ पे ये लिया ए मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या लिया बच्चों ए मोल ऑफ, ये बच्चों यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं मॉलिक्यूल्स को, कैसे डिफाइन किया, डिफाइन कैसे कर रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरह एज
कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच हैज मास इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास, बस वो इसमें एटॉमिक मास है, इसमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। तो हमने यहाँ पे फिर से कर दिया बच्चों कि अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस हम कह सकते हैं बच्चों, अब बच्चों एग्जांपल करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस विच हैज, बच्चों ये क्या होता है, विच हैज मास इक्वल टू इट्स, क्या हो जाएगा, मास टू, मास इक्वल टू इट्स, मास इक्वल टू इट्स किसके हो जाएगा बच्चों, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के, किसके हो जाएगा, ये ग्राम मॉलिक्यूलर, ये हो जाएगा बच्चों मास के, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस किस में करते हैं, ग्राम्स में करते हैं। तो यहाँ बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास को हम बच्चों एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेस्ड करेंगे बच्चों, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, किस में करेंगे, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, ठीक है। इट इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं इट इज इक्वल टू, क्या कहेंगे बच्चों, इट इज इक्वल टू वन ग्राम मॉलिक्यूल, टू क्या कहेंगे, वन ग्राम मॉलिक्यूल, इट इज इक्वल टू वन ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है, ऑफ दैट सब्सटेंस, ऑफ दैट क्या है ये सब्सटेंस के, ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं जरा कुछ इस पे सैंपल्स कुछ करते हैं, जैसे हम कह सकते हैं एग्जांपल में समझा रहा हूँ आपको, यहाँ पे यहाँ आते हैं हम बेटा, कि अगर जो वन मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम है, हम कहेंगे कि वन मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, एक एग्जांपल यहाँ लिया, ये देखिए वन, ये बच्चों हो गया मोल ऑफ, हो जाएगा बच्चों यहाँ पे नाइट्रोजन, क्या होगा यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मतलब हो गया एन, राइट, नाइट्रोजन ये हो गया बेटा यहाँ पे एटम, इक्वल टू किसके हो गया, ये वन ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के, वन ग्राम ऑफ नाइट्रोजन मतलब हो गया ये कितना हो गया बच्चों, हम कह सकते हैं 14, क्या हो जाएगा बच्चों, ये ग्राम हो जाएगा। अब आते हैं वन मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, अब बच्चों हम यहाँ पर आ गए वन मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, अब वन मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल मतलब बेटा क्या हो गया, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, तो ये बच्चों यहाँ पे हो जाएगा आपका N2, क्या हो जाएगा बच्चों N2, ये किसके हो जाएगा बेटा यहाँ पे बच्चों, ये होगा वन ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ N2, तो यहाँ हम लिखेंगे वन ग्राम मॉलिक्यूल, वन ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ क्या हो जाएगा ये N2, मतलब ये हो जाएगा बच्चों 28 ग्राम के, क्या हो जाएगा ये 28 ग्राम के, ठीक है ना। अब इसी तरह हम वन मोल ऑफ ऑक्सीजन भी निकाल लेंगे, 60 ग्राम होगा, तो वन मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकाल लेंगे तो 32 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब एक दूसरा डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं बच्चों, हमने लिया वन मोल ऑफ वाटर, हमने क्या लिया यहाँ पे एग्जांपल में, क्या लिया बेटा हमने लिया यहाँ पे तीसरा एग्जांपल, ये लिया वन मोल ऑफ, हमने क्या लिया यहाँ पे वाटर, वाटर मतलब हो गया बच्चों H2O, वन मोल ऑफ वाटर, सो बोथ मॉलिक्यूल हैं यानी वाटर है, तो ये ग्राम कितने की हो जाएगा, ये हो जाएगा वन ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ क्या हो गया ये H2O, मतलब हो जाएगा ये 18.0 ग्राम के, ठीक है 18.0 ग्राम के। अब आते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल्स बच्चों, तो बच्चों जो नंबर ऑफ मोल्स होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ जो होता है मोल्स, हम बच्चों यहाँ पे कह सकते हैं स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों ये क्या होता है, गिवन वेट इन ग्राम, क्या होता है ये आपका फार्मूला होता है, गिवन कोई भी वेट इन किसमें बच्चों, ग्राम में, अपान क्या होगा बेटा यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम के, ठीक है, या हम कह सकते हैं इसे
एन इज स्मॉल एन मतलब वही नंबर ऑफ मोल्स, इज इक्वल टू गिवन वेट इन ग्राम मतलब डब्ल्यू कैपिटल अपान बच्चों ये एम हो गया मॉलिकुलर वेट। तो बच्चों ये फॉर्मूला होता है इसका बेटा, ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है बच्चों, एन इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम के। अब आइए इस पर क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस हम कर रहे हैं बेटा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर हमने मान लीजिए एक एग्जांपल ले लिया, फॉर एग्जांपल एक लिया हमने एग्जांपल लिया कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 100 ग्राम ग्लूकोज के। अब इसमें हमें निकालना है कि कैलकुलेट, क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स बच्चों इन 100 ग्राम ग्लूकोज, किसमें इन 100 ग्राम किसमें ग्लूकोज में, ग्लूकोज हो गया बेटा, यानी हम कह सकते हैं C6H12 और ये हो गया O6, ठीक है। अब इसको हमें निकालना है क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालना है 100 ग्राम ग्लूकोज में। तो इसका फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो भाई हम यहाँ पे लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। तो हमने बेटा सबसे पहले बच्चों निकाला, यहाँ पे सॉल्व किया, सॉल्व करने पर निकाला कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज कैसे हम निकालेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज हो जाएगा C6H12 O6, तो ये हो जाएगा 6 atom into 12K + 12 into 1K + 6 into 16K, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चों 180, यानी मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया आपका 180, यानी हम यहाँ पे कहेंगे कि जो मॉलिक्यूलर मास है आपका, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट है या मास का लीजिए, वो हो जाएगा बच्चों 180। अब वेट, वेट किसका, वेट ऑफ सब्सटेंस किसका, ग्लूकोज का कितना है, वेट ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज कितना है 100 ग्राम के बच्चों। तो नंबर ऑफ मोल्स हम निकालेंगे ना, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हमने देखिए यहाँ निकाल लिया, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया, वेट इन ग्राम्स, या गिवन वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, एंड नंबर ऑफ मोल्स किस स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई एम, अभी हमने लिखवाया है फार्मूला। तो वेट कितना है आपका, 100 ग्राम है बच्चों, 180 क्या है आपका, ये आ गया 2 × 5 = 10, 5/9 हो गया, ये आ जाएगा आपका 5/9 बच्चों। तो हम इसे कर लेंगे कि ये आ गया आपका 0.55, ये क्या आ गया बच्चों मोल, ये बेटा हो गया आंसर, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये मोल कंसेप्ट का पार्ट वन वीडियो है बेटा, पार्ट टू वीडियो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा। आज हम लेक्चर को यहीं ब्रेक करते हैं।